हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? नमस्ते, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरॉन्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एरॉन्स की तरफ से 18 इंचेस बेस स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है 18TBW100। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पीकर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम 18TBW100 इस स्पीकर के बारे में जानते हैं। ये 18 इंची बेस स्पीकर है। ये स्पीकर आप सिंगल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं, ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं। इसका वजन 15 किलो है। इसका AES पावर 1500 वोट है। वॉइस कॉइल 4 इंची है और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 35 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक है। तो आइए इस स्पीकर का हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए हम 18TBW100 इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी ये मैं बॉक्स अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बॉक्स अभी ओपन किया है। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर कार्टन पैकिंग है। ये जो कार्टन पैकिंग थी, कार्टन पैकिंग के बाद आप देख सकते हैं इसमें ये सबसे पहले आपको मिल रहा है, आपका जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो मिल रहा है पूरा। इसके ऊपर पूरा मॉडल नंबर भी है और स्पीकर की पूरी डिटेल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर व्हाइट कलर के जो मतलब कि पेपर है, पेपर के साथ उसके साथ ही ये प्लास्टिक की पन्नी है, जो प्लास्टिक की कैरी बैग में स्पीकर पैक किया गया है। ये सेफ्टी के हिसाब से दिया गया है कि आपका प्रोडक्ट अगर ट्रांसपोर्ट में रहे, बारिश वगैरह कुछ हुई तो आपका प्रोडक्ट ना गिल्ला हो, उसकी वजह से सेफ्टी के लिए ये दिया हुआ है। अभी ये स्पीकर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये स्पीकर मैंने निकाल दिया। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कर्टन पैकिंग बॉक्स जो है स्पीकर के साइज का काट के राउंड शेप में पूरा अच्छी तरीके से रखा है। आपके प्रोडक्ट की फुल्ली सेफ्टी के हिसाब से ये पैकिंग की गई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे भी एक सर्कल काट के जैसे कर्टन का जो है रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके की और मजबूत और सेफ पैकिंग है सेफ्टी के हिसाब से। तो हमने अभी यहाँ पे 18TBW100 इस स्पीकर को अनबॉक्सिंग किया है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं स्पीकर की बैक साइड। बैक साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पीकर का ब्लैक पेट है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है एक स्टिकर लगा हुआ है। इस स्टिकर के ऊपर जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप ये स्टिकर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको स्पीकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 18TBW100, ये स्पीकर का मॉडल नंबर है। उसके नीचे लिखा हुआ है पावर, इस स्पीकर का पावर रेटिंग कितना है वो लिखा हुआ है, जो लिखा है 1500 वाट। वॉइस कॉइल 4 इंची है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 35 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक है और इम्पीडेंस जो है वो 8 ओम है। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है ये एरॉन्स का ब्रांडिंग लोगो है। तो उसके नीचे ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये स्पीकर की बैक प्लेट है। उसके नीचे जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट की जो साइज है ये 220 mm है और मैग्नेट का ग्रेड जो है Y35 ग्रेड है और हाइट जो है 30 mm है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये आपको ये बास्केट दिख रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और मजबूत बास्केट है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही मजबूत है। और उसकी अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये रेड और ब्लैक कलर की कलर कोडिंग के साथ यहाँ पे टर्मिनल्स है। ये टर्मिनल्स आप देख सकते हैं कि आपको कलर कोडिंग इसके लिए दी गई है कि वायरिंग करते वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो। इस टर्मिनल की खासियत ये कि ये पुश बटन की तरह वर्क होते हैं। आप देख सकते हैं मैं एक बार ये हल्के से प्रेस करूंगा तो ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अदर्स ब्रांड की तरह आपको सोल्डर्स करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इधर पुश कर देंगे और यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे। सेम अप्लाई आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से ऐसे डिजाइन किया गया है। और सबसे खास बात इस स्पीकर की, आप जो ये बैक प्लेट देख रहे हैं, बैक प्लेट के ऊपर आपको जो ये होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स जो है और ये बीच में जो है इससे एयर पासिंग होती है। जैसे आपका स्पीकर हीट वगैरह होता रहेगा तो जो एयर पासिंग रहते हैं ये छोटे छोटे होल्स से होती है और ये बड़े होल्स से भी हो जाती है। अभी हम जो आपको शो कर रहे हैं ये 18TBW100 इस स्पीकर का फ्रंट साइड है। आप देख सकते हैं ये राउंड शेप डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये आप कॉर्न पेपर देख सकते हैं, कॉर्न पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका सस्पेंस भी आप देखिए एक बार कैसे सस्पेंस होता है और बहुत स्मूथली और अच्छी तरीके से सस्पेंस हो रहा है, ये देखिए।
मैं आपको सस्पेंस करके दिखा रहा हूँ। पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप भी एक बार देख सकते हैं, जैसे वीडियो में हम आपको जितना दिखा पा रहे हैं पॉसिबल हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये स्पीकर का बीच का हिस्सा है, मैग्नेट और स्पीकर का जो कॉर्न पेपर के बीच का हिस्सा है, इसमें ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर में जो ये आपको दिख रहा है, ये जो स्पाइडर है स्पीकर का, और ये डबल स्पाइडर, इसमें डबल स्पाइडर यूज हुआ है, जो सैंडविच के तरह, मतलब सैंडविच प्रोसेस से यूज किया गया है, उसको एक के साथ एक चिपकाया गया है स्पाइडर को, और वो इसमें यूज हुआ है यहाँ पे। और इसके ऊपर जो ये चमकती हुई चीज जो आपकी दिख रही है व्हाइट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे चमकती हुई चीज, वो सिलिकॉन है। वो सिलिकॉन इसके लिए यूज किया गया है क्योंकि इसका जो स्पाइडर का लाइफ है वो बरकरार रहे, मतलब लाइफ जो है बढ़ता रहे, जल्दी से जल्दी खराब ना हो, एग्जैक्ट इसके वजह से ये सिलिकॉन यूज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीड वायर है ये ब्लैक कलर में दोनों तरफ यूज हुआ है, ये जो लीड वायर स्पीकर को अंदर की तरफ से यूज है, ये ब्लैक कलर में जो है ये मेन लीड वायर है स्पीकर का। यहाँ पे मैं ये जो उंगली रख रहा हूँ दोनों भी, ये लीड वायर है स्पीकर का। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।